औज़ुबिल्लाही मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से और एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मरतबा अपने 9 नुमाइंदों को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछली मरतबा जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने 8 नुमाइंदों को मैदान में उतारा था, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 7 उम्मीदवारों पर धमाकेदार दर्ज हुई। इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने इस मरतबा फैसला लिया और जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी से और एक अपना उम्मीदवार बढ़ाते हुए वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने फराजुद्दीन को अपना नुमाइंदगा बनाकर मैदान में उतार दिया गया है। और इसी बीच यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बहादुरपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए से ये बताया कि यहाँ पर बहादुरपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन साहब होंगे, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कॉरपोरेटर थे। आज उनको मजलिस ने यहाँ पर टिकट देकर अपनी नुमाइंदगी मजबूत करते हुए मुबीन साहब को अपना MLA कैंडिडेट बहादुरपुरा से बना दिया गया है। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब बहादुरपुरा में भी अपने नुमाइंदों को यहां पर मैदान में उतर चुकी है। जो इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मजलिस ने अपने पूरे नुमाइंदों का नाम आप सभी के दरमियान रख दिया गया है, जिनमें से मजलिस ने पिछली मर्तबा के 3 MLA का टिकट काटते हुए यहां पर मुमताज खान साहब और याकूतपुरा से पाशा कादरी साहब और मौजम खान साहब का टिकट काट कर वहां पर नौजवानों को उन्होंने यहां पर उम्मीदवार बनाया है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस मरतबा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी जीत दर्ज करेगी और यहाँ पर एक नए इनकलाब के जरिए से एक नया यहाँ पर जज्बा और जुनून पैदा करेगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए से मजलिस को मजबूत बनाए और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब